Assalamualaikum viewers, I'm Shahid Mir Roy and you are watching Languagen. I have come again with a new video. This time, uses of adverb, very important. Some beautiful rules, important rules for any competitive exams and also MTCAT. So, what is adverb? First of all, you know, adverb is a word that qualifies the verb. And sometimes qualifies the adjective and also some other adverb. So there are some very interesting, very informative rules that I'm telling you. The very first is here, adverb of time. I'm just telling about adverb time. Some words about adverb time. Kuch words jo hai, jo ke ever, always, often, often also can be American said often. So I also like this word often instead of often. Sometimes, frequently, seldom. आमतौर पर जब ये तमाम वर्ब से पहले आते हैं, उन वर्ब से पहले आते हैं जिन वर्ब्स को ये मॉडिफाई करते हैं, जिन वर्ब को ये क्वालिफाई करते हैं, उन वर्ब से ये वर्ड्स पहले जो मेंशन कर चुका हूं. अगेन आई एम टेलिंग यू एवर, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम. सो ही ऑफ्टन कम्स लेट, ही ऑफ्टन कम्स लेट. इसके अलावा ओनली जो है एक ऐसा एडवर्ब है जो वर्ड से पहले आता है. वर्ब की बात नहीं है, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा हो उस वर्ड से पहले आता है ओनली. ठीक है, शी स्लेप्ट ओनली 2 आवर्स. यहां पर जो 2 आवर्स है ये वर्ड है, ये नाउन है जो कि मॉडिफाई कर रहा है. 2 यहां एडजेक्टिव है और आवर्स जो है नाउन है, तो उससे पहले आ गया. ठीक है, ज्यादा आते हो एक की बजाय तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो यू होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल होता है, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस इज ही स्पोक सेंसिबली इन द लॉन्ग डिस्कशन लास्ट नाइट. सेंसिबली स्टैंड फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हाउ से कंसिडर किया जाता है. लॉन्ग डिस्कशन जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर से कंसिडर किया जाता है. लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि व्हेन से कंसिडर किया जाता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि दो एडवर्ब्स किसी कंजंक्शन के साथ ज्वाइन होते हैं, लाइक अगेन एंड अगेन, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, ही कम्स लेट. वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल की सेंस जो है वो डिफरेंट है, फॉर्मेशन सेम है. जैसे कि वेरी फर्स्ट इज लाउड. लाउड मैं बतौर एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं. शी स्पोक इन अ लाउड वॉइस. वॉइस चूंकि नाउन से पहले क्वालिफाई करती है एडजेक्टिव, तो लाउड वॉइस. और एडवर्ब के तौर पर लाउड को यूज करने के लिए डोंट टॉक सो लाउड. सो टॉक को मेंशन कर रहे हैं, इनके वर्ब को मेंशन कर रहे हैं, तो हियर इज लाउड एडवर्ब. अनदर वन, शी इज एन अर्ली राइजर. अर्ली राइजर, राइजर इज अ नाउन, तो उसको मेंशन कर रहे हैं, दैट्स एडजेक्टिव. एंड द सेम, दे स्टार्टेड अर्ली, तो स्टार्टेड वर्ब है उसको मेंशन कर रहे हैं अर्ली, तो यहां पर ये एडवर्ब है. ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. The best boy, ये superlative degree adjective की, तो boy को mention कर रहा है, तो adjective है. He behaves best, he behaves best, तो यहां पर best जो है ये क्या है, adverb है. कुछ adverbs है एक से ज्यादा class से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादा mention होते हैं, like he sings delightfully, he sings delightfully, delightfully यहां पर manner है, adverb of manner है. The weather is delightfully cool. यहां delightfully adverb of degree है. इसी तरह से don't go far, F-A-R, far, it's adverb of place. And another sentence, the patient is far better now. तो यहां far जो है वो degree के तौर पर इस्तेमाल हुआ. जो adverbs sentence के start में आते हैं, जाहिर बात है जब sentence के start में आएंगे तो वो noun के start में आएंगे, subject के start में आएंगे, तो वो क्या करते हैं उस पूरे sentence में, उस पूरे नाउन तक के तमाम क्लास को मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ वर्ब को ही नहीं, तमाम क्लास को मॉडिफाई करते हैं जो वहां पर नाउन यूज किया जा रहा है. इवेंचुअली, इवेंचुअली जो है ये एडवर्ब है. इवेंचुअली द फिगर्स सीम करेक्ट, सारे फिगर्स के लिए इस्तेमाल किया गया. प्रोबेबली दे आर रॉन्ग. प्रोबेबली स्टार्ट में आ, दे प्रोनाउन को मेंशन कर रहा है, तो सबको मेंशन कर रहा है. उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है जिसको हम व्हेन से भी शो करते हैं, दैट्स बिफोर, नाउ,
totally, daily, already, formally, late, ago, soon, never, since, yesterday, wasted time never returns. Another one, now adverb of place, जिसको हम where से mention करते हैं, here, there, everywhere, up, down, within, away, out, etc. We looked up. Adverb of manner, clearly, well, bravely, hard, soft, so, only, soundly, clearly, she reads clearly. Adverb of degree or quantity, any, quite, rather, party, partially, as, pretty, so, enough, fully, almost, to, altogether, very. He is rather busy. जो verbs five senses को show करते हैं उनके साथ ly वाले adverb इस्तेमाल नहीं होते, उनके साथ adjective इस्तेमाल होते हैं. Like the yogurt tastes rancid. तो taste जो है तो verb है, इसके साथ adverb इस्तेमाल नहीं किया, rancid इस्तेमाल किया जो कि adjective है, adverb इस्तेमाल नहीं हो सकता. Today I have discussed about the uses of adverb. So please keep watching my channel. Thank you so much.